भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत सरकार की एक कंपनी है जो कि नवरत्न कंपनी के अंतर्गत आती है। इसमें वैकेंसी है आईटीआई पास बच्चों के लिए। तो आज की वीडियो में यही जानकारी आपको मिलने वाली है पूरी डिटेल में कि कौन कौन एलिजिबल है, किस ट्रेड के लिए वैकेंसी है, कैसे अप्लाई करेंगे, फीस क्या होगी, एज क्या होने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। चलिए, आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल को, और आईटीआई परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और अपना कोर्स ज्वाइन कीजिए और शानदार तैयारी कीजिए और एग्जामिनेशन में अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं आप। बात करें इस चीज़ों को, मैंने यहाँ पर देख रहे हैं पीडीएफ में काफ़ी चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं जो जो इंपॉर्टेंट है, तो एक तरफ से इसमें बात कर लेते हैं। 8 जनवरी को पब्लिक हुई है वैकेंसी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की एक वैकेंसी है, और इसमें गाजियाबाद जो है लोकेशन है उत्तर प्रदेश का ही, दिल्ली के नज़दीक का ये हिस्सा है गाजियाबाद, वहाँ पर ये कंपनी है। जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जगह जगह है, लेकिन जो ये वैकेंसी है वो फिलहाल गाजियाबाद लोकेशन के लिए है। इसमें मैंडेटरी क्या है भाई, हम आईटीआई की बात करेंगे। ऊपर वाली जो वैकेंसी है डिप्लोमा के लिए है, तो डिप्लोमा के लिए मैं वीडियोज़ जनरली नहीं पब्लिश करता हूँ, आईटीआई के बच्चों की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। आईटीआई के बच्चे 3 ट्रेड के जो है यहाँ पर एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल और फिटर। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 12 सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल की 2 सीट है और फिटर की 10 सीट है। यहाँ पर ज़रूरी क्या है, आईटीआई के साथ साथ अप्रेंटिसशिप भी होना ज़रूरी है। अगर आपने आईटीआई किया है प्लस 1 साल की 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप आपने किया है और उसका सर्टिफिकेट है अप्रेंटिसशिप का आपके पास, तभी आप अप्लाई कर पाओगे इस वैकेंसी के लिए। पहली मैंडेटरी चीज़ क्या होगी, अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। दूसरा क्या है कि आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में जगह जगह, हालांकि ये ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी है, सिटीजन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी एक स्टेट के लिए है, लेकिन उत्तर प्रदेश में रोजगार कार्यालय होते हैं जगह जगह, हर जिले में लगभग होता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जिसको कहते हैं, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, एक रजिस्ट्रेशन आईडी होती है एक तरह से समझ लीजिए, और उसकी वैलिडिटी होती है कि कितने दिनों तक के लिए रजिस्ट्रेशन है, तो वो वैलिड होना चाहिए। अगर आपको बहुत पुराना है तो उसको रिन्यू कराइए, नहीं कराए हैं तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रोजगार कार्यालय का मतलब ये होता है कि वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन है, तो समय समय पर जो भी कैंपस या वैकेंसी जाती है तो वो सरकारी विभाग एक तरह से आपको इन्फॉर्म करता है या मैसेजेस करता है, मेल करता है। तो इसमें मैंडेटरी चीज़ें ध्यान रखें क्या है, आईटीआई होनी चाहिए, ये 3 ट्रेड लिखी हुई है, इन 3 में से कोई भी एक ट्रेड हो, अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, प्लस उत्तर प्रदेश में जो स्थापित रोजगार कार्यालय हैं उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उम्र कम से कम आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए। किस दिन तक, 1 जनवरी 2024 लिख लीजिए कॉपी में, उसके बाद आप जोड़ लीजिए कि आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो और अधिकतम 28 वर्ष हो। पोस्ट कौन सी है, टेक्नीशियन सी, ये आईटीआई वाले बच्चों के लिए नीचे जो लिखा हुआ टेक्नीशियन सी, मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिखा भी दिया है, दूसरी नंबर की जो वैकेंसी है ये आईटीआई के बच्चों के लिए। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं जो मेन मेन चीजें हैं। बाकी एज में रिलैक्सेशन यानी आरक्षण वाला फायदा मिलेगा भाई ओबीसी के बच्चों को 3 वर्ष का, जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं, और एससी के बच्चों को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलती है उम्र में, अधिकतम वाले में। जैसे 28 की जगह 31 तक अप्लाई कर पाएंगे, 31 तक ओबीसी के बच्चे नॉन क्रीमी लेयर वाले, और एससी के बच्चे जो है आप ऐड कर लीजिए 33 ईयर तक अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन मिनिमम जो है सभी कैटेगरी के लिए 18 वर्ष जरूरी है, क्योंकि फैक्ट्री कंपनी है, इनमें काम करना है, तो उम्र 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। अब आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन 3 ट्रेड है, तीनों ट्रेड में आईटीआई लिखा हुआ है कि आईटीआई इन अदर ट्रेड सब्जेक्ट डिसिप्लिन नॉट कंसिडर्ड, यानी जो 3 ट्रेड लिखा हुआ है उसी तीनों ट्रेड में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल या फिटर से होना चाहिए, अन्य ट्रेड को नहीं मान्य करेंगे। आईटीआई फाइनल होना चाहिए, उसका आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके बाद है जो आपकी आईटीआई है उसमें कम से कम 60% होना चाहिए पासिंग मार्क आपका, मतलब इससे नीचे की परसेंटेज नहीं होनी चाहिए, और नीचे एससी और इस कैटेगरी में 50 से नीचे नहीं होना चाहिए। तो हालांकि आईटीआई में इतनी कम परसेंटेज किसी की होती भी नहीं है। एक्सपीरियंस नहीं मांगा है लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन अप्रेंटिसशिप 1 ईयर की चाहिए होगा। बाकी रजिस्ट्रेशन इन उत्तर प्रदेश एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज मैंडेटरी, जो मैंने आपको बताया कि जो रोजगार कार्यालय होते हैं उत्तर प्रदेश में जगह जगह, लगभग हर जिले में होते हैं, वहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, और वो रजिस्ट्रेशन आपका वैलिड होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक्सपायर हो गया हो तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में स्थित रोजगार कार्यालय में आप अपना
रजिस्ट्रेशन करवा लें तभी इस फॉर्म को फिलअप करें, ये मैंडेटरी है, बहुत ही अनिवार्य है, मतलब इसके बिना काम नहीं होने वाला। इसमें जो एग्ज़ाम होगा 150 नंबर का होगा, जिसमें 50 नंबर नॉन टेक पार्ट वन और पार्ट टू टेक्निकल होगा 100 नंबर का। नॉन टेक में वही जनरल नॉलेज, रीजनिंग, बेसिक मैथमेटिक्स, इस तरह के क्वेश्चन होंगे, और टेक्निकल में आपका ट्रेड से रिलेटेड होगा, जैसे आप फिटर ट्रेड से हैं तो फिटर थ्योरी के सवाल इसमें होने वाले हैं आईटीआई की। आगे बढ़ लेते हैं, जो परसेंटेज है कि कम से कम क्वालिफाइंग मार्क कितना है, तो 35% दोनों पार्ट में अलग अलग 35% मिनिमम होना चाहिए, तभी आपको क्वालिफाइड माना जाएगा ये दो, ये जो कैटेगरी है उसके लिए, और नीचे वाली कैटेगरी के लिए 30% है। हालांकि सिलेक्शन इतना कम परसेंटेज पर नहीं होता है, मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर करते हुए, अप्लीकेशन फीस यानी कितनी फीस आपको देना होगा फॉर्म को भरते समय, आवेदन करते समय, तो वो 295 रुपये देना होगा जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को। अन्य कैटेगरी जैसे कि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विस मैन, ये जो बच्चे हैं इनको फीस नहीं देना है, 0 रुपये है। ठीक है, जो फीस जमा होगी वो रिफंड नहीं होने वाली है। फीस जो है ऑनलाइन जमा होगा, एसबीआई कलेक्ट जो उनकी वेबसाइट है वहां से। कैसे करना है ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, online.sbi.com आपको ओपन करना है, वहां पर टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है, उसमें पीएसयू में जाना है, पीएसयू में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर क्लिक करना है, फिर वहां पर नेम ऑफ पोस्ट में नॉन एग्जीक्यूटिव गाजियाबाद यूनिट लिखा हुआ आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है और पेमेंट करना है, उसका प्रिंट आउट वगैरह आपको रख लेना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो फीस का तरीका हो गया। फॉर्म फिलअप करने के लिए BEL-India.in इस वेबसाइट पर जाना है और आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद बात कर लेते हैं, आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए, पहले इनको आप पढ़ लीजिएगा कि एज, क्वालिफिकेशन, अप्रेंटिस, सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। फॉर्म फिलअप करने से पहले उनको आप इकट्ठा करके रख लेंगे। ठीक है, अगर आप ओबीसी से हैं या जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह भी आपके पास होना चाहिए, रिसेंट का रहेगा तो ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा पुराना ना रखें आप लोग। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं, ये रीचेकिंग वगैरह का कोई प्रोसेस नहीं है। अगर आपका एग्ज़ाम होता है और उसमें ये आप कहो कि मेरा नंबर कम आया है, कॉपी दोबारा चेक कराना है या ऐसा कुछ, तो ऐसी कोई सुविधा नहीं होने वाली, पहले से ही बता दे रहे हैं। अप्लाई करते समय क्या क्या अपलोड होगा वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, कलर फोटोग्राफ है, आपके हाई स्कूल इंटरमीडिएट जो भी सर्टिफिकेट वहाँ पर मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए हाई स्कूल का 8th का सर्टिफिकेट लगता है, आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड होगा। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे आईटीआई का सर्टिफिकेट है, उसकी मार्कशीट है ना, फाइनल सर्टिफिकेट हो गया आईटीआई कंप्लीट होने का, वो चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, वैलिड एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन जो मैंने आपको बताया कि जो उत्तर प्रदेश में आपको करवाना है रोजगार कार्यालय में, उत्तर प्रदेश राज्य में, आप कहीं के भी रहने वाले हैं लेकिन यूपी स्टेट में दिया हुआ आ रहा है कि यहाँ पर आपको ये करवाना अनिवार्य है, तो ये ज़रूरी होगा। नज़दीकी किसी भी, लगभग हर ज़िले में ऐसा होता है रोजगार कार्यालय जहाँ पर आप करवा के एक रजिस्ट्रेशन नंबर पा सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट डेट की बात कर ले, 8 जनवरी से फॉर्म ओपन हो चुका है, लास्ट डेट 31 जनवरी 2024 होने वाली है, और जो रिटर्न एग्ज़ाम ये कराएंगे फरवरी मंथ में कराएंगे, डेट एग्जैक्ट नहीं दिए हैं बट फरवरी में इनका प्लान है कराने का। तो ये चीज़ें होंगे टोटल, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने कवर कर दिया है, और होपफुली आपको चीज़ें समझ में भी आई होंगी। इसके बाद भी ऐसा लगता है कुछ कि भाई ये छूट गया है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं पर्टिकुलर उस टॉपिक पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। प्लस इसका जो पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, सिंपल है, अपने टेलीग्राम ओपन कीजिए अपने मोबाइल में, उसमें टाइप कीजिए ग्लोबल आईटीआई, 60,000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं वहाँ पर, आपको मिल जाएगा ग्लोबल आईटीआई का ग्रुप, उसमें मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगा प्लस ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। वेबसाइट BEL-India.in आपके सामने ओपन है, यही ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। करियर्स का जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, करियर्स, इसमें सब कुछ है, रिटर्न एग्जाम और सारा कुछ ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ आता है, और यहाँ पर आप डिटेल में डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट होती रहती हैं। तो यही है आपका ऑफिशियल वेबसाइट, ऐसी सभी जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहेंगी। और सेल में भी वैकेंसी आई हुई थी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी वीडियो कल अपलोड हुई है ग्लोबल आईटीआई पर, तो अगर आपने नहीं देखा है तो इसको जरूर देख लीजिए। इसमें अप्रेंटिसशिप नहीं मांगा था, इसमें आईटीआई पास के लिए ही था, तो अगर आप
चाहें तो इस वीडियो को भी जरूर देखें। बाकी इसी प्रकार की सभी वीडियो आपको समय समय पर आपके चैनल पर मिलती रहेंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आईटीआई ग्रुप में जुड़े हैं जगह जगह, तो शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।